जयपुर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे एक भू माफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रजत सिंघल है। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर के मुताबिक श्री विनायक बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक गोपेश शर्मा, सुनील शर्मा, रजत सिंघल और पंकज शर्मा ने एक आवासीय कॉलोनी काटी। इस दौरान आरोपी ने सैकड़ों लोगों को फर्जी तरीके से भूखंड के पट्टे का आवंटन तो कर दिया, उसके बाद आरोपी करोड़ों रुपए हड़प कर फरार हो गया। साइबर सेल की मदद से जैसे ही पुलिस को आरोपी के इंदौर में होने की सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। हालांकि मामले में पुलिस एक आरोपी गोपेश शर्मा को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। की कंपनी थी विनायक बिल्डर्स स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके चार डायरेक्टर थे गोपेश शर्मा, सुशील कुमार सेन, रजत सिंघल और पंकज शर्मा। इन लोगों ने ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज काटी अजमेर रोड पे। काटी के मतलब इनका फर्जी वाला था, इन लोगों ने लोगों से पैसे लिए, फर्जी पट्टे दिए और प्लॉट वगैरह कुछ किसी को दिए नहीं। तो 50 तो हमारे पास मुकदमे हैं कंपनी हमारे यहाँ पे और डिफरेंट थानों में जयपुर के, और उसके अलावा भी बहुत सारे परिवादी अब हो सकता है और निकल गए हैं। तो कुछ दिन पहले ये गोपेश शर्मा को तो हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, जो एक डायरेक्टर था इनमें से। बाकी तीन की हम लोग सर्च कर रहे थे, इसमें काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ा, काफ़ी नंबर्स वगैरह की डिटेल वगैरह लेके। एक जो भी हम लोग की साइबर टीम है वो काफ़ी दिन से मेहनत कर रही थी इस चीज़ को लेके, तो उन सब के बेसिस पे, पूरा टेक्निकल सीडियर एनालिसिस वगैरह के बेसिस पे कुछ लोकेशन निकल गए जहाँ पर हमारी टीम गई, इस व्यक्ति को लेके आए हैं अभी। लेकिन ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला था इनके द्वारा जो किया गया।